एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे कि बेस क्या है न्यूमरोलॉजी का। सारी न्यूमरोलॉजी का बेस या फिर हर न्यूमरोलॉजी में जो चीज यूज की जाती है, बहुत प्रोमिनेंटली यूज की जाती है, लोशो ग्रिड। उसको जानेंगे क्या है लोशो ग्रिड। एक पॉपुलर नाम है, कई बार इसको मैजिकल ग्रिड कहते हैं, कुछ लोग इसको वैदिक ग्रिड कहते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर नाम है वो है लोशो ग्रिड। नाम में क्या रखा है, कंटेंट वही है हर किसी का। तो मैं आपको लोशो ग्रिड के नाम से बताने जा रही हूं। लोशो ग्रिड, लोशो ग्रिड कैसे बनता है, ये देख रहे हैं आप। इस तरह से 9 खाने होते हैं लोशो ग्रिड में। पहला नंबर आता है 4, दूसरा नंबर आता है 9, तीसरा नंबर आता है यहां पर 2, यहां पर आता है 3, यहां पर आता है 5, यहां पर आता है 7, यहां पर आता है 8, फिर 1 और यहां पर 6। देख रहे हैं आप यहां पर लोशो ग्रिड। तो ये जो लोशो ग्रिड है, जो पॉपुलर लोशो ग्रिड है, और सबसे पहले चाइनीज न्यूमरोलॉजी ने इसको बताया था दुनिया के सामने लेकर आए थे। आई एम नॉट ऑफेंडिंग टू एनी अदर थिंग, बट स्टिल वो लोग सबसे पहले इसको दुनिया के सामने लेकर आए थे। उनकी जो थ्योरी है या उनकी जो कहानी है वो ये है कि एक बहुत साल पहले, 5000 साल पहले, कछुआ बाहर निकला और उसके जो बैक साइड थी उसके ऊपर ही ग्रिड बना हुआ था, जिसमें पहले खाने में 4 लाइन, दूसरे खाने में 9 लाइन और तीसरे खाने में 2 लाइन थी। वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलती है कि विष्णु जी जब कछुए का अवतार लेकर आए तो उन कछुए की पीठ पर, मतलब वहां पर विष्णु जी की जो कछुए का अवतार था उसमें उनके बैक साइड पर ये लोशो ग्रिड था या ये ग्रिड बना हुआ था, जिसमें पहले खाने में 4 लाइंस, दूसरे में 9, फिर तीसरे में 2, इधर 3 लाइन थी, इधर 5 लाइन थी, इधर 7 लाइन थी, यहाँ 8 लाइन थी, यहाँ 1 लाइन थी और यहाँ 6 लाइन थी। इसको मैजिकल ग्रिड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको मैजिकल ग्रिड, क्योंकि अगर आप देखें, आप इसकी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन या कोई भी वर्टिकल लाइन या फिर कोई भी डायगोनल लाइन को ऐड करेंगे तो नंबर आएगा 15, 15 नंबर आता है, सम टोटल 15 आता है। क्यों 15 नंबर, 6 नंबर मतलब लग्जरी का नंबर, ग्लैमर का नंबर, हर चीजों का, जो भी आप चाहते हैं उन सब चीजों का नंबर। तो 4, 9, 2 प्लस कर लीजिए 15 आएगा, 3, 5, 7 प्लस कर लीजिए 15 आएगा, 8, 1, 6 प्लस कर लीजिए 15 आएगा। इसी तरीके से अगर कोई वर्टिकल लाइन 4, 3, 8 प्लस करेंगे 15 आएगा, 9, 5, 1 प्लस करेंगे 15 आएगा। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये एक मैजिकल ग्रिड है हर तरफ से। 4, 5, 6 प्लस करोगे 15 आएगा, 8, 5, 2 प्लस करोगे 15 आएगा। तो इसको एक मैजिकल ग्रिड भी बोला गया। ये लोशो ग्रिड बेसिकली बेस है हमारे न्यूमरोस्कोप बनाने का। हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को, अपनी डेट ऑफ बर्थ से इस लोशो ग्रिड की सहायता से, अपनी डेट ऑफ बर्थ से हम अपना न्यूमरोस्कोप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बिल्कुल देखेंगे, यहीं देखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि अपना न्यूमरोस्कोप इस लोशो ग्रिड की मदद से हम कैसे बनाएंगे अपना न्यूमरोस्कोप। लेकिन अपना न्यूमरोस्कोप बनाने के लिए हमें 3 चीजें पहले निकालनी होंगी अपने डेट ऑफ बर्थ से। अपने डेट ऑफ बर्थ से हमें 3 चीजें पहले निकालनी होंगी। अब वो 3 चीजें क्या होंगी, ये 3 चीजें अपना न्यूमरोस्कोप बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने डेट ऑफ बर्थ से 3 चीजें निकालनी होंगी। हमें 3 नंबर्स अपने डेट ऑफ बर्थ से निकालने होंगे। क्या 3 नंबर्स हमें अपने डेट ऑफ बर्थ से निकालने होंगे, एग्जाम्पल लेती हूं पहले डेट ऑफ बर्थ का, एक एग्जाम्पल ले लेती हूं, 18 जून 1988, इनका नाम है अनुराग, अनुराग। तो अनुराग का डेट ऑफ बर्थ मैं ले रही हूं, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 1988, ऑब्वियस बात है अनुराग नाम से आप समझ गए कि ये मेल है। तो यहां पर हम क्या 3 चीजें निकालेंगे न्यूमरोस्कोप से बनाने से पहले, हम यहां पर निकालेंगे इनका ड्राइवर नंबर। अगर आप लोगों ने
मेरी YouTube वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि ड्राइवर नंबर क्या होता है और कंडक्टर नंबर क्या होता है। अगर आप गूगल के ऊपर, YouTube के ऊपर कहीं पर भी ड्राइवर नंबर दिस एंड कंडक्टर नंबर दिस ये डालते हो तो सबसे पहले जो वीडियो आती है वो मेरी ही आती है। तो गूगल ने और YouTube ने नंबर वन पर रैंक कर रखी है मेरी वीडियोज ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर के लिए। तो हम क्या क्या निकालेंगे, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर। ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर एंड यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर। ड्राइवर नंबर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ड्राइवर नंबर क्या होता है। हमारी जो पहली डेट ऑफ बर्थ है, मतलब हमारी जो हम जिस तारीख को पैदा हुए हैं उस तारीख का टोटल, यहां पर बंदा पैदा हुआ है 18 तारीख को, तो ड्राइवर नंबर क्या हो गया 1+8=, ड्राइवर नंबर आ गया 9। उसके बाद कंडक्टर नंबर क्या होगा, इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को, पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर ऐड कर दें तो जो भी सम टोटल आएगा, सिंगल डिजिट सम टोटल आएगा, उसको हम कहेंगे कंडक्टर नंबर। तो अगर 1+8+6+1+9+8+8 सबको टोटल कर दोगे तो जो आएगा सिंगल डिजिट नंबर वो है यहां पर 5। तो यहां पर ड्राइवर नंबर हो गया 9, कंडक्टर नंबर हो गया 5। अब ये यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या है। एक तरह से वो नंबर है जो हमें एनी हाउ सपोर्ट करता है, चाहे ये हमारा लकी नंबर हो या ना हो, चाहे ये हमारा लकी नंबर है कि नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है इस नंबर के लोग, जो यूनिवर्सल सपोर्ट निकल कर आएगा उस नंबर से प्रभावित लोग, उस नंबर से प्रभावित लोग हमारे जीवन में बहुत सहायता करते हैं, हमें बहुत सपोर्ट मिलता है उन लोगों का जो यूनिवर्सल सपोर्ट वाले होते हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्सल सपोर्ट कैसे निकालते हैं, बताती हूँ इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, मैं बताऊंगी इसका फॉर्मूला आपको, सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला। यूनिवर्सल सपोर्ट निकालने का, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर हम कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर बहुत ध्यान दीजिएगा यहां पर, क्योंकि ये है तो बहुत इजी लेकिन बहुत सारे लोग, अगर आपने पहले कभी कहीं से न्यूमरोलॉजी पढ़ी हो या सीखी हो, बहुत सारे लोग इसको गलत बताते हैं क्योंकि उनको आधी अधूरी नॉलेज है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर यहां पर दो कैटेगरी बनती है, जो लोग 1999 तक पैदा हुए हैं एक उनकी कैटेगरी, और जो 2000 में पैदा हुए हैं या 2000 के बाद एक वो कैटेगरी बनती है। जो 1999 तक पैदा हुए एक कैटेगरी तो वो बन गई, और एक कैटेगरी बन गई जो 2000 में या 2000 के बाद पैदा हुए हैं उनकी कैटेगरी बन गई। ठीक है, तो 1999 तक जो लोग पैदा हुए हैं वो, उनका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर कैसे निकलेगा। अब लोग दो ही तरह के होते हैं, या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। तो अगर मेल है, अगर मेल है और वो 1999 ईयर तक पैदा हुआ है, 1999 से पहले या 1919 तक पैदा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ईयर ऑफ बर्थ, जैसे यहां पर ईयर ऑफ बर्थ क्या है 1988, इस पूरे ईयर ऑफ बर्थ का सम टोटल निकाल लेंगे एक डिजिट में। तो हम क्या बोलते हैं यहां पर, ईयर ऑफ बर्थ का सम टोटल उसको 11 में से माइनस कर देंगे, 11 में से माइनस कर देंगे, 11 में से माइनस करके आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर। अगर मेल है तो, और 1999 तक पैदा हुआ है, तो ईयर ऑफ बर्थ का सम टोटल 11 में से माइनस कर दो, जो आएगा वो आपका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर होगा। और अगर फीमेल है तो फीमेल के केस में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 4 में, ऐड कर देंगे ईयर ऑफ बर्थ का सम टोटल, ईयर ऑफ बर्थ का सम टोटल हम ऐड कर देंगे 4 में। अब क्योंकि 1999 के बाद ये जो 1 था, जो
कॉमन था वो चेंज हो गया और यहां पर एक बढ़ गया, दो हो गया। तो अब यहां पर मेल है तो हम क्या करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे ईयर ऑफ बर्थ का सम टोटल, और अगर फीमेल है तो हम 3 जोड़ेंगे ईयर ऑफ बर्थ के सम टोटल में। ईयर ऑफ बर्थ के सम टोटल में हम 3 जोड़ेंगे अगर फीमेल है तो, फीमेल जोड़ती हैं इसलिए उनके ईयर ऑफ बर्थ में हम ऐड करते हैं नंबर। ऐसा लॉजिक नहीं है, जस्ट दैट कि जब मुझे स्टार्टिंग में मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा था तो मैं भूल जाती थी कि माइनस किस में करना है, प्लस किस में करना है। तो मैंने सोचा कि ओके फाइन, फीमेल ऐड करती हैं फैमिली में, नया फैमिली मेंबर लेकर आती हैं, ऐड करती हैं इसलिए उनमें ऐड होता है। तो आई नो बड़ा गंदा सा लॉजिक है लेकिन स्टिल स्टार्टिंग में आपको याद करने में मदद कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर तो जो 1999 तक पैदा हुए लोग उनके उनका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर कैसे निकलेगा, 11 में से उनका ईयर ऑफ बर्थ का सम टोटल को हम माइनस कर देंगे, जो नंबर आएगा वो यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर होगा। और फीमेल के केस में अगर 1999 तक पैदा हुई है तो 4 ऐड कर देंगे ईयर ऑफ बर्थ का सम टोटल में, 2000 या 2000 के बाद पैदा हुए हैं, क्योंकि यहां पर हमारा ये जो नंबर है ये एक नंबर, ये ऑटोमेटिकली यहां पर 2 हो गया, बढ़ गया। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम 10 में से ईयर ऑफ बर्थ का सम टोटल माइनस करते हैं और 3 ऐड करते हैं ईयर ऑफ बर्थ के सम टोटल में। Is that clear? समझ में आया कि exactly निकलेगा कैसे? अब देखो ये जो हमारा एग्जाम्पल था इसमें मैं आपको इधर यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकाल के दिखाती हूँ। 1988 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 8 क्या बना, ईयर ऑफ बर्थ का सम टोटल क्या बना, 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 8, यहां पर ईयर ऑफ बर्थ का जो सम टोटल बना वो बना 8। अब 11 माइनस 8 क्या आ गया, 11 माइनस 8 आ गया 3। तो यहां पर जो यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर है, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर, ये यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर आपको, मैं ये नहीं कह रही आपका लकी नंबर होगा, ये आपका लकी या मतलब ये आपका लकी नंबर, जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर आपका लकी नंबर हो, लेकिन इस नंबर से प्रभावित लोग आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक्चुअली में दे आर लाइक लाइफ सेवियर टू यू पीपल, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर। आप 3 नंबर से प्रभावित लोग कौन होंगे, जैसे कि मैं 3 नंबर से प्रभावित हूं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 3rd September 1985 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरे लिए तो मैं क्या हो गई, अब ये जो जो यहां पर मैंने नाम लिखा है अनुराग, अब इस पर्सन के लिए अगर मैं अपनी बात करूं क्योंकि मेरा ड्राइवर नंबर 3 है, तो ये इस पर्सन के लिए मैं 3 नंबर वाली हो गई, मतलब मैं 3 नंबर से प्रभावित लोग, 3 नंबर जिनका ड्राइवर है या 3 नंबर जिनका कंडक्टर है, वो 3 नंबर से प्रभावित लोग होते हैं। तो ऐसे में यहां पर मैं इनके लिए हमेशा सपोर्ट, मतलब ऐसे अगर कोई इंसान, इसके लिए मैं बहुत सपोर्टिव होंगी, बहुत सपोर्टिव होंगी। अब बता देती हूँ किसका डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ है, एंड रियली टेलिंग यू, मैं ये गलत भी बोल रहा होगा ना तो भी मैं इसका सपोर्ट कर देती हूँ, तो भी मैं इसका सपोर्ट कर देती हूँ, मुझे पता भी है ना कि गलत बोल भी रहा है तो भी मैं सपोर्ट में खड़ी हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों सपोर्ट में खड़ी हो जाती हूँ। आई थिंक यूनिवर्स हैज लाइक क्रिएटेड दिस थिंग कि इसका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 3 निकल कर आता है और इसको हर 3 नंबर वालों से सपोर्ट मिलेगी ही मिलेगी, इसकी लाइफ में 3 नंबर वाले लोग रूल करेंगे कह सकते हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि इसको हमेशा 3 नंबर वाले लोगों से सपोर्ट मिलेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, अगेन माइंड माई वर्ड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट दिस नंबर इज अ लकी नंबर फॉर हिम, इसके लिए लकी नंबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो हम आगे वाली क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ कि 3 नंबर से प्रभावित लोग, 3 नंबर से प्रभावित लोग कौन होंगे, जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 3 होगा, तो 3 नंबर से प्रभावित लोग इसको हमेशा, अनुराग को हमेशा 3 नंबर से प्रभावित लोग सपोर्ट करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे, अंधाधुंध सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा मैं अभी अपना भी बताती हूं आपको कि मेरा क्या है, अनुरंजनी
मेरा नाम अनुरंजनी है और आपको पता ही है, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3rd September 1985। मुझे हमेशा लगता है कि मैं कभी अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं छुपाती हूँ किसी से भी, मैं खुले आराम से बताती हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 3rd September 1985 है। तो 1985, अब यहाँ पर अगर मैं अपना ड्राइवर नंबर देखूँ तो मेरा ड्राइवर नंबर क्या बनेगा, 3। यहाँ पर मैं कंडक्टर नंबर देखूं, जो 3 नंबर हमें हर किसी की डेट ऑफ बर्थ से निकालने होते हैं, तो अगर मैं कंडक्टर नंबर देखूं तो यहाँ पर कंडक्टर नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर कंडक्टर नंबर बनेगा 8। तो मेरा ड्राइवर नंबर 3 है, मेरा कंडक्टर नंबर 8 है, और मेरा यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या है, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर मैं एक फीमेल हूं तो 1985 ऐड कर दो, इस पूरे को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5। अगर आप 1985 को ऐड कर दोगे तो 5 आ जाएगा। अब क्योंकि मैं फीमेल हूं और 1985 में मतलब 1999 से पहले पैदा हुई हूं, तो यहां पर मेरा यूनिवर्सल सपोर्ट निकलेगा 4+5। मेरा यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या आ गया, 9। आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी आपको बताया कि मैं अपने भाई को बहुत सपोर्ट करती हूँ और मेरा भाई अनुराग मुझे हद से ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर मैं कहीं पर गलत भी हूं ना, उसको पता है कि मैं गलत हूं, तो भी वो अंधाधुंध सपोर्ट कर देगा। वो कभी मतलब ही इज अ लाइफ सेवियर फॉर मी, मेरी जिंदगी का आधार कह सकते हो आप इसको, या जिसे कहते हैं कि मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से सबसे पहला नंबर अगर किसी का है तो वो मेरे भाई का, एंड मेरा यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 9 है। 9 नंबर से प्रभावित लोग, ये देखो 9 नंबर से प्रभावित लोग मुझे बहुत हेल्प करेंगे, एंड मुझे हमेशा ये लगता है कि 9 नंबर से प्रभावित लोग सचमुच में दे आर लाइक लाइफ सेवियर फॉर मी। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर इसीलिए निकाला जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये 9 नंबर मेरा लकी नंबर है ना, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, आप समझ रहे हैं, मैं यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर आपको समझा रही हूँ कि यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर होता क्या है। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर का मतलब है कि इस नंबर से प्रभावित लोग आपकी बहुत मदद करेंगे। जब भी आप कहीं फंस जाएंगे, कुछ परेशानी में होंगे, और यू नो वी ऑलवेज वी सीक हेल्प, हम किसी ना किसी की हेल्प चाहते हैं, तो 9 नंबर से प्रभावित लोग आपकी हेल्प करेंगे। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी 9 नंबर से प्रभावित है, उनका कंडक्टर नंबर 9 है। तो यहां पर देखेंगे आप, मेरा ब्रदर, उसका ड्राइवर नंबर 9 है, मेरे हस्बैंड उनका कंडक्टर नंबर 9 है, एंड दे बोथ लाइक यू नो प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एवरी बैड थिंग्स, या फिर हमेशा सपोर्ट करते हैं हमेशा। तो 9 नंबर वाले जितने भी लोग मेरी लाइफ में है, वो कहीं ना कहीं सेवियर्स है मेरे लिए, क्योंकि ये यूनिवर्स ने इस नंबर को मुझे सपोर्ट करने के लिए भेजा है। जैसे कि अनुराग को सपोर्ट करने के लिए भेजा है 3 नंबर वाले लोगों को, उसी तरीके से अनुरंजनी को सपोर्ट करने के लिए भेजा है 9 नंबर वाले लोगों को। तो ये परमात्मा की देन है, एंड आप भी इस तरह से, मैं चाहती हूं कि आपकी फैमिली में जितने लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, सबका आप डेट ऑफ बर्थ से आप ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकालें और देखें कि कैसे आपके ये मैजिक होता है, ये मैजिक होता है, और आपको दिखाई देंगे कि किस तरह से आपके जो यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर है, उस नंबर से प्रभावित लोग किस तरह से आपको मैजिकली सपोर्ट करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, आपके आगे सपोर्ट करते हैं, आपके पीछे से आपको सपोर्ट करते हैं, हर तरह से आपको हेल्प करते हैं। व्हेन यू आर इन नीड, जस्ट गो टू देम, इन अपने यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर के पास जाइए, आपको हेल्प मिल जाएगी, आपका काम हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा इन लोगों के साथ, ठीक है। और घबराइए मत, मैं अभी और बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं 3-4 एग्जांपल और लेके आपको ये ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर एंड यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर का फंडामेंटल क्लियर करूंगी। तो मैं आप 3 एग्जांपल और लेने जा रही हूँ, जहां पर मैं अलग अलग तरह के डेट ऑफ बर्थ लेकर कुछ जो भी कंफ्यूजन हो सकती है वो सब क्लियर कर दूंगी, ठीक है। पहली डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 28 सितंबर 2009। अब इस डेट ऑफ बर्थ को हम मेल का भी लेके देख लेंगे और फीमेल का भी लेके देख लेंगे। अगर ये किसी मेल की डेट ऑफ बर्थ है और अगर ये किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो ये मेल की डेट ऑफ बर्थ है, फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है, दोनों तरीके से देखेंगे। अगर ये किसी मेल की डेट ऑफ बर्थ है तो इसका ड्राइवर नंबर क्या होगा, कंडक्टर नंबर क्या होगा, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या होगा। अगर किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है तो ड्राइवर नंबर क्या होगा, कंडक्टर नंबर क्या होगा और यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या होगा। अनडाउटेडली ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर तो सेम ही होगा,
28, तो यहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर, ड्राइवर क्या हो गया वन, फीमेल का भी ड्राइवर हो गया वन, कंडक्टर क्या हो गया 2 + 8 + 9 + 2 + 9 ऐड करो क्या हो गया, सब कुछ ऐड कर देंगे 8, 2, 10, 19, 12 नौ मिलाया तो 30, 30 का मतलब क्या हो गया 3। हम न्यूमरोलॉजी में जीरो को महत्व नहीं देते, जब हम सिंगल डिजिट पर रिड्यूस कर रहे होते हैं किसी भी चीज को तो हम जीरो को महत्व नहीं देते, हम जनरली आप देखो कि लोशो ग्रिड में भी कहीं जीरो नहीं है, तो हम जीरो को इग्नोर करके चलते हैं, हम जीरो को महत्व नहीं देंगे। जब हम लोशो ग्रिड की बात करेंगे हम जीरो को महत्व देंगे, जब हम नेम करेक्शन में प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे तब हम जीरो को महत्व देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम जीरो को कोई महत्व नहीं देंगे। अब यहाँ देखते हैं यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर कैसे निकालेंगे, 2 और 9 कितना ऐड किया, 2 और 9 को ऐड किया तो 11 आ गया, और 11 का मतलब क्या हुआ 2, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट पर रिड्यूस करना है। अब क्योंकि ये 2000 के बाद पैदा हुआ है मेल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 में से माइनस कर देंगे 2, आ जाएगा यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 8, इज दैट क्लियर। और यहां पर फीमेल के केस में क्योंकि ये 2000 के बाद मतलब 1999 के बाद पैदा हुई है, 2000 वाले सिनेरियो में पैदा हुई है, तो यहां पर हम 3 ऐड कर देंगे 2 में, तो यहां पर क्या आ जाएगा इसका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर आ जाएगा 5। आई थिंक आई मेड इट प्रीटी क्लियर कि किस तरह से हम ड्राइवर नंबर निकालेंगे, कंडक्टर नंबर निकालेंगे और यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकालेंगे। आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है आपको। इनफैक्ट मैं एक और एग्जाम्पल लेकर भी समझा देती हूँ, जैसे कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, और जब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमरोस्कोप बनाए तो आप हर तरह से तैयार हो, अपने सारे फ्रेंड्स, सारे फैमिली मेंबर, सबका ड्राइवर, कंडक्टर और यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर आप निकाल चुके हो, न्यूमरोस्कोप बनाने से पहले ही निकाल चुके हो, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं आपसे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे एग्जाम्पल क्यों, अब भाई इतने सालों तक सीए के बच्चों को पढ़ाया है तो एग्जाम्पल से ज्यादा लेने की आदत हो ही गई है, एग्जाम्पल से मैं ज्यादा लूंगी लूंगी, आपको समझ में आ चुका है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्लास पर शिफ्ट हो जाइए, और अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देख लीजिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं 5 जुलाई 1999 दोनों का लेके देख लेते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों का एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर तो सबका ही सेम रहता है, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर बदल जाता है इन केस ऑफ फीमेल एंड मेल। यहां पर ड्राइवर नंबर क्या हो गया 5 है तो 5 ही रहेगा, ड्राइवर नंबर 5। कंडक्टर नंबर क्या हो गया, सबको ऐड कर दो, कंडक्टर नंबर 5 + 7 + 1 + 9 + 9 + 9 कंडक्टर नंबर आ जाएगा, कंडक्टर नंबर हो गया यहां पर भी 4। अब यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर देखते हैं, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 1999 में पैदा हुआ है, तो यहां पर अगर हम 1 + 9 + 9 + 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 28, 28 को सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो यहां पर 11 में से माइनस कर दो 1, इज इक्वल टू क्या आ गया 10। अब ये नहीं कि इसका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 10 हो गया, ना ना ना, इसका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर हम सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर हो गया 1, क्योंकि आपने कभी भी किसी का ड्राइवर नंबर 10 नहीं दिखा होगा, ड्राइवर नंबर हमेशा 1 से लेकर 9 तक होते हैं, कंडक्टर नंबर भी हमेशा 1 से लेकर 9 तक होते हैं, लोशो ग्रिड में जो नंबर्स हैं वो भी सिर्फ 1 से लेकर 9 तक होते हैं, तो 10 का मतलब ही 1 है, हम जीरो को इग्नोर करते हैं, जीरो को हम नहीं कंसिडर करते हैं जब हम सिंगल डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर की, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर फीमेल के लिए क्या होगा, यहां पर क्या है, यहां पर है 1999 की बात, तो यहां पर 4 में ऐड कर देंगे 1, क्योंकि 1999 से पहले हम 4 में ऐड करते थे ईयर ऑफ बर्थ का सम टोटल, तो 4 + 1 = 5, तो यहां पर यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर आ गया 5 फीमेल के केस में, और मेल के केस में यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर आ गया 1। आई थिंक आई मेड इट प्रीटी क्लियर नाउ कि क्या, कैसे, किस तरह से हम यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर निकालेंगे। तो बस शुरू हो जाइए, सारे फैमिली मेंबर, सारे फ्रेंड, सबका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकालिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास पर जाइए, ठीक है। चलिए तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आपका न्यूमरोस्कोप कैसे बनाना है ये जानकारी लेकर।